नमस्कार बच्चों बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 और इसमें विषय विज्ञान है। बच्चों इसमें अध्याय 2 है, जंतुओं में पोषण या प्राणियों में पोषण अध्याय का नाम है। बच्चों तो इस पाठ के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और आपके लिए है बच्चों। और अपने साथियों को भी वीडियो ज़रूर भेजा करो ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों अगर आप इस लेसन के नोट्स चाहते हो, अभ्यास के प्रश्न उत्तर आप कहाँ से देखें, कैसे लिखें, तो ये साइट है, देखिए आप गूगल पे जाके ये आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे टाइप करके, और आपको इस पाठ के सभी यही प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे बच्चों। तो चलिए अब इनको समझ लेते हैं, और ये सभी पाठों के हैं बच्चों। तो हमारे पास है जैसे विज्ञान का अध्याय 2 है, इसमें आपके पास सबसे पहला प्रश्न है खाली स्थान भरें रिक्त स्थान भरें। बच्चों तो इसमें है जैसे मनुष्यों में पोषण के मुख्य चरण, यानी जब मनुष्य भोजन करता है, भोजन करने से लेकर निष्कासन तक वो क्या क्या करता है, क्या क्या क्रियाएं होती हैं, भोजन कैसे पचता है। जैसे मुंह में हम चबाते हैं भोजन को, फिर निगल लेते हैं, फिर वो पेट में जाता है, फिर वहाँ पाचन होता है उसका, फिर जो कचरा होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो वो सभी चरण होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो वो देख लीजिए, ये उत्तर है आपके पास। इसमें क्या होता है, जैसे अंतग्रहण होता है सबसे पहले, फिर होता है पाचन, ठीक है, यहाँ अंतग्रहण आ जाएगा, यहाँ पाचन आ जाएगा, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर निष्कासन होता है बच्चों। यानी अंतःग्रहण में क्या करते हैं, हम भोजन को मुंह में रखते हैं बच्चों, तो यहाँ अंतःग्रहण आएगा, इसका मतलब भोजन हमने मुंह में रख दिया और उसको चबा लिया और उसको हमने निगल लिया, फिर उसका पाचन होगा। क्या होगा बच्चों, उसका पाचन होगा। पाचन का मतलब है अब भोजन जो है हमारे पेट में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो वहाँ पे उसका पाचन होगा बच्चों, फिर उसका अवशोषण होगा बच्चों, ठीक है। जो हमने भोजन पचा लिया उससे जो पोषक तत्व हमें मिले उसको खून के अंदर मिला देना अवशोषण कहलाता है बच्चों। फिर उसका स्वांगीकरण होगा, ठीक है, स्वांगीकरण का मतलब जो पोषक तत्व हैं वो सभी शरीर के सभी अंगों तक पहुँच जाएंगे, और जो अब कचरा रह गया है शरीर में, वेस्ट मटेरियल रह जाता है या जल पसीना या मल मूत्र रह जाता है, वो अब अलग हो जाता है और बड़ी आंत में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे एक तरह से स्वांगीकरण कहेंगे। फिर उसका निष्कासन होगा बच्चों, निष्कासन का मतलब अब जो कचरा बच गया है, मल मूत्र बच गया है, उसको शरीर से बाहर निकालना, मलाशय से बाहर निकालना, उसे हम निष्कासन कहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला नेक्स्ट खाली स्थान है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बच्चों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, तो आपने यकृत लिखना है, कौन सी होती है, यकृत होता है। फिर है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और खाली स्थान रस निकलते हैं जो भोजन पर क्रिया करते हैं, तो ये आएगा आपका पाचन रस। कौन से रस निकलते हैं बच्चों, पाचन रस निकलते हैं, तो पाचन रस आपने इस सी वाले खाली स्थान में भर देना है, पाचन, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास छोटी आंत की भीतरी दीवार में कई उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिसे हम दीर्घ रोम कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, दीर्घ रोम, तो यहाँ पे दीर्घ रोम आपने लिख देना है। फिर है अमीबा अपना भोजन खाद धानी, अमीबा अपना भोजन कहाँ पे पचाता है भाई, खाद धानी में पचाता है, तो आपने ये कर लेना है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन के खाली स्थान थे, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में आता है बच्चों सत्य और असत्य, तो सत्य और असत्य देखिए सही गलत बताना है। तो स्टार्च और मंड का पाचन अमाशय में शुरू होता है, तो ये गलत है बच्चों, स्टार्च या मंड का पाचन मुँह में शुरू हो जाता है, कहाँ शुरू होता है बच्चों, मुंह से शुरू हो जाता है, इसलिए ये गलत है, असत्य है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड लाइन, जीव भोजन को लार में मिलाने के साथ
मिलाने में मदद करती है, यानी जीभ भोजन को लार के साथ मिलाने में मदद करती है। तो ये बच्चों सही है, सत्य है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सत्य आ जाएगा। फिर आगे है सी, पित्ताशय अस्थायी रूप से पीत रस को भंडारित करता है। तो ये भी सही है बच्चों, पित्ताशय में पीत रस इकट्ठा होता है और जब भी उसकी ज़रूरत होती है तो फिर उसका वहाँ से वो निकल जाता है। फिर डी है, जुगाली करने वाले जंतु या रूमिनेंट जुगाली करने वाले निगली हुई घास को अपने मुंह में वापस लाते हैं और कुछ देर तक उसे चबाते रहते हैं। तो ये सही है बच्चों, रूमिनेंट जंतु वो होते हैं जो जुगाली करते हैं, जैसे गायें भैंस, जो एक बार घास को अपने पेट में भर लेते हैं और फिर उसको वापस लेके आते हैं अपने मुंह में और उसको चबाते रहते हैं फिर। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न था बच्चों, तो ये आपने कर लेना है। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के सही उत्तर पर निशान लगाना है। अब हमने वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है बच्चों, तो इसको देख लेते हैं, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, कहाँ होता है बच्चों? तो ये होता है, इसका अंतर है आपके पास छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत में इसका पाचन हो जाता है। फिर है बी पार्ट में, बिना पचे हुए भोजन से पानी मुख्य रूप से अवशोषित होता है, यानी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है ना उसमें से पानी अवशोषित करता है हमारा शरीर का कौन सा भाग, बड़ी आंत करता है बच्चों, कौन सा, बड़ी आंत, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हमने कॉलम मिलान करने हैं, एक ए से बी को, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। तो इसमें आपके पास आंसर है सीधा, जो खाद्य घटक होते हैं और वो पाचन के उत्पाद होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा में बदल जाता है बच्चों। फिर है प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, और वसा जो होता है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल इनमें बदलता है बच्चों जब उसका पाचन होता है। तो ये आपके पास इनका हमने क्या कर दिया है, मिलान कर दिया है बच्चों। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न आपके पास, दीर्घ रोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या हैं। दीर्घ रोम जो होते हैं बच्चों, शुद्र आंत यानी छोटी आंत की भीतरी दीवारों में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाओं को दीर्घ रोम कहते हैं। तो बच्चों जो हमारी छोटी आंत होती है ना उसके अंदर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, और ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत के अंदर, और इनका कार्य है बच्चों दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। यानी ये कहाँ होते हैं, छोटी आंत के भीतरी सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं बच्चों, और ये छोटी आंत के अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम है ये पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, छठा प्रश्न है, तो ये कर लेते हैं बच्चों। तो इसमें देखिए छठा प्रश्न है, पीत कहाँ उत्पन्न होता है, यानी पीत रस कहाँ उत्पन्न होता है, या भोजन के किस घटक को पचाने में मदद करता है बच्चों। तो पीत का निर्माण यकृत में होता है, कहाँ होता है, यकृत में होता है, और ये थैली में संग्रहित होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं। ठीक है, पीत का निर्माण यकृत में होता है और यकृत के नीचे एक थैली होती है जिसे पित्ताशय बोलते हैं, उसमें ये इकट्ठा रहता है और ये वसा के पाचन में मदद करता है। जो भी हम वसा युक्त भोजन खाते हैं उसको पचाने में पीत रस हमारी मदद करता है, जो पित्ताशय में होता है, और पित्ताशय जो होता है यकृत के में होता है, एक तरह से यकृत के पास ही होता है बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जो जुगाली करने वाले पशुओं और रूमिनेंट के द्वारा तो पचाया जा सकता है लेकिन मनुष्यों के द्वारा नहीं। ठीक है, तो वो सेलुलोस होता है बच्चों, सेलुलोस जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स जिसे जुगाली करने वाले जानवरों द्वारा पचाया जा सकता है। जुगाली करने वाले की छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक बड़ी थैली जैसी संरचना होती है जिसे जो भोजन का सेलुलोज कुछ
जीवाणुओं की क्रिया द्वारा पच जाता है जो मनुष्य में मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों, सेलुलोज होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जो सेलुलोज होता है ना, ये घास में होता है, हरी घास के अंदर होता है सेलुलोज, और इसलिए हम घास को पचा नहीं सकते। लेकिन सेलुलोज को जो होते हैं जुगाली करने वाले रूमिनेंट जो जानवर होते हैं वो पचा लेते हैं बच्चों। क्यों पचाते हैं? क्योंकि उनकी छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैली जैसी संरचना होती है जिसे रूमेन बोलते हैं, रूमेन। ठीक है, और उसके अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो सेलुलोज को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन मनुष्य के हमारे शरीर में वो जीवाणु नहीं होते बच्चों, इसलिए हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास आठवां प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा क्यों मिलती है बच्चों? ग्लूकोज, ग्लूकोज लगा देते हैं ना डॉक्टर, ग्लूकोज लगा देते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उसने डॉक्टर ने तो उसको ग्लूकोज लगा दिया, तो ग्लूकोज क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो पचा हुआ भोजन होता है बच्चों, उसको भोजन को पचाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि यह ऑक्सीजन की मदद से कोशिका में आसानी से टूट जाता है, क्योंकि ये पचा हुआ भोजन है, और जब ये हमारे शरीर में जाएगा कोशिकाओं में आसानी से टूट जाता है, जो जीव को तुरंत ऊर्जा देता है। ग्लूकोज को पाचन की आवश्यकता नहीं होती, यानी इसको पचाने की आवश्यकता नहीं होती, यह पचा पचाया होता है और सीधा हमारे ब्लड में सीधे रक्त में आवेशित हो जाता है, यानी इसको सीधे ड्रिप के द्वारा डॉक्टर जो है सीधे रक्त में छोड़ देते हैं, जिससे खून में ही हमारे तो ग्लूकोज से पोषक तत्व तो मिल जाते हैं, ऊर्जा मिल जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए ग्लूकोज को मरीज जो होते हैं, रोगी होते हैं, जो उनको ग्लूकोज लगाया जाता है ताकि उनको आसानी से ऊर्जा मिलती रहे, उनको भोजन की जरूरत नहीं रहती। फिर आपके पास नौवां प्रश्न है, ग्लूको ये है आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं? यहाँ निम्न आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्या आएगा? निम्न। ठीक है, निम्न का मतलब नीचे दी गई क्रियाएं संपादित होती हैं। तो भोजन का पाचन कहाँ होता है बच्चों? तो वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, भोजन कहाँ चबाते हैं? मुंह में चबाते हैं बच्चों। फिर है जीवाणुओं को नष्ट करना, अमाशय में होते हैं जीवाणु नष्ट। फिर है भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है बच्चों? छोटी आंत में। ठीक है, और मल का बनना, मल मूत्र का बनना बड़ी आंत में होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है बच्चों। ठीक है, समझ में आया? फिर उसके बाद आपके पास 10वां प्रश्न है बच्चों, ये कर लेते हैं। अमीबा और मनुष्य में पाचन के बीच समानता और अंतर लिखें। समानता क्या है बच्चों? अमीबा में पाचक रस भोजन रस धानी से स्रावित होता है, और मनुष्य में पाचक रस अमाशय और छोटी आंत में से स्रावित होता है, और फिर यह रस जटिल भोजन को सरल घुलनशील और आवेशित पदार्थों में बदल देता है बच्चों। ठीक है, तो अमीबा में और इसमें दोनों में क्या समानता है कि अमीबा में पाचक रस जो होता है भोजन रस धमनी से स्रावित होता है, और मनुष्यों में पाचक रस अमाशय और छोटी आंत से स्रावित होता है, जो भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे वो आसानी से हमारे रक्त में मिल जाता है। और अंतर क्या है इनमें बच्चों? अंतर अंतर अगर आपके पास आए तो आपने क्या लिखना है? अमाशय पादाब की मदद से भोजन को पकड़ता है। ठीक है, अमीबा, सॉरी, अमीबा जो है पादाब की मदद से भोजन को पकड़ता है और उसे निगल लेता है, लेकिन मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। अमीबा में मुख नहीं होता बच्चों, वो शरीर के किसी भी भाग से भोजन को ग्रहण कर लेता है जिसे पादाब कहते हैं, और भोजन का मुख होता है, मनुष्य में तो मुख होता है तो उससे ही वो भोजन करता है बच्चों। तो ये इनमें अंतर है। ठीक है, फिर कॉलम 1 और 2 में मिलान करना है 11वें प्रश्न में। तो आपके पास है लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करती है बच्चों। ठीक है, और अमाशय में अम्ल का निर्मोचन होता है, यकृत पीत रस का श्रावण करता है। तो ये आंसर है आपके पास, मलाशय मल का त्याग होता है बच्चों। ठीक है, शूद्रांत्र का मतलब छोटी आंत में भोजन पाचन का पूरा होना, छोटी आंत में होता है। वृहदांत्र में जल का अवशोषण होता है, और बिना पचे भोजन का भंडारण होता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास मिलान करने थे 11वें प्रश्न में बच्चों, तो ये आपने कर लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये कह रहा है कि मानव
पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपने बनाना है बच्चों। तो ये आपने चित्र बनाना है, तो ये आपने बना लेना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये मुख है बच्चों, मुख गुहिका। मुख गुहिका का मतलब हम भोजन को मुंह में रखेंगे और इसमें लाला ग्रंथि होती है, ये यहाँ पे लाला ग्रंथि होती है मुंह में, जो हमारे मुंह से लार निकालती है। जब हम भोजन को चबाते हैं ना, तो लार लाला ग्रंथि से लार निकलेगी और ये भोजन में मिक्स हो जाती है, और यहीं पे जो मंड या मंड है वो शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। तो यहीं से उसका पाचन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब हम भोजन को निगल लेते हैं, तो ये क्या होती है, ग्रसिका। क्या होती है बच्चों, ग्रसिका होती है। इसके द्वारा भोजन आता है नीचे, ठीक है। फिर भोजन कहाँ आएगा, यहाँ अमाशय में आ जाएगा बच्चों। इसमें कहाँ पे पहुँच जाएगा भोजन, अमाशय में। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो भोजन में मिल जाता है बच्चों, और वो कीटाणुओं को इस तरह उनको नष्ट कर देता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे यकृत है। यकृत ये है बच्चों, इतनी बड़ी, देखो इतना बड़ा हिस्सा जो है यकृत है, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। ये प्रश्न आता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। फिर इसमें ही ये छोटी सी थैली होती है एक लगी हुई, जिसमें पित्ताशय बोलते हैं जिसे, और इसमें से पीत रस निकलता है जो वसा का पाचन करता है बच्चों, ठीक है। फिर भोजन जाएगा यहाँ से छोटी आंत में बच्चों, कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में। ये अग्नाशय है बच्चों, क्या है, अग्नाशय है। इसमें से भी कई पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को पचाते हैं बच्चों। फिर भोजन चला गया इसमें, ये बीच में है ना, ये छोटी आंत है इस तरह से, तो ये छोटी आंत, नाम तो इसका छोटा है लेकिन है ये लगभग 7.5 मीटर लंबी है लगभग, ठीक है। तो ये लगभग 7.5 मीटर लंबी का मतलब 20-21 फुट लंबी है ये, ठीक है। तो ये छोटी आंत होती है, इसे क्षुद्रांत्र बोलते हैं, और इसी में के अंदर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, और जो भोजन का पाचन करते हैं। और छोटी आंत में ही पूरे भोजन का पाचन होता है, लगभग सारे भोजन का पाचन छोटी आंत में हो जाता है। फिर जो कचरा वगैरह बच जाता है, तो ये देखिए ये इधर बड़ी आंत है, तो इसमें बड़ा कचरा जो है इसमें आ जाता है, वृहदान्त्र बोलते हैं इसे। वृहदान्त्र का मतलब बड़ी आंत। फिर सारा कचरा जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है इसमें, जिसे हम मलाशय बोलते हैं, और यहाँ से फिर वो शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम गुदा कहते हैं बच्चों। तो ये आपने चित्र बनाना है, नामांकित चित्र आपको पता होना चाहिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये खाली चित्र आता है, इसके नाम ये लिखने होते हैं फिर हमें, ठीक है। क्या लिखने होते हैं, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ये भी कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो इसलिए आप चित्र बनाइए बुक में अपनी, और इसका नाम भी लिखिए बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद है 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में क्या है, क्या हम केवल कच्ची पत्तेदार सब्जियां घास पर जीवित रह सकते हैं, चर्चा कीजिए। तो हम जानते हैं कि जंतुओं, कवक, जीवाणु और गैर हरे पौधे और मनुष्य में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती बच्चों, वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्लूकोज के रूप में भोजन का स्वयं बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि पत्तेदार सब्जियां और घास हमें जीवित रहने में मदद करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम कच्ची सामग्री, पत्तेदार सब्जियां, इस तरह की चीज़ें खाएं तो हम जीवित रह सकते हैं, क्योंकि पहले जो आदिवासी होते थे, जंगलों में रहते थे मनुष्य, उस समय आग का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तब वो ऐसे ही कंदमूल खाते थे और उन्हीं को खा के जीवित रहते थे बच्चों। इसलिए हम उनके बिना, यानी उनसे केवल कच्ची सब्जियां, फल, इनको खा के हम जीवित रह सकते हैं बच्चों। तो बच्चों आपने ये लेसन समझा, आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और बच्चों अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद।